नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं रोजगार अवसर में, जहां हम लेकर के आते हैं आपके लिए प्रतिदिन रोजगार से जुड़े सभी अवसरों की पूरी जानकारी। दोस्तों, रिक्रूटमेंट की ये नोटिफिकेशन आ रही है नागपुर यूनिवर्सिटी की तरफ से, जहां पर वैकेंसी निकाली गई है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। अभी से बस कुछ ही घंटों पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर इसका नोटिफिकेशन जारी किया गया है। दोस्तों, हम मेन डिटेल यहां पर नोटिफिकेशन की डिटेल्स डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो नागपुर यूनिवर्सिटी की तरफ से नोटिफिकेशन आ रही है असिस्टेंट प्रोफेसर के पद के लिए। जॉब लोकेशन की बात की जाए तो नागपुर की तरफ से, क्योंकि ये नोटिफिकेशन आ रही है तो बड़ी ऑब्वियस सी बात है कि नागपुर ही जॉब लोकेशन रहने वाली है। कुल मिलाकर के 117 वैकेंसीज़ की नोटिफिकेशन जारी की गई है, जिसके लिए मास्टर डिग्री के कैंडिडेट्स आवेदन कर सकते हैं जो कि नेट क्वालिफाइड हैं। एज लिमिट की बात करें तो दोस्तों 21 से 60 साल तक के कैंडिडेट्स इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ इंटरव्यू के बेसिस पर यहाँ पर सिलेक्शन की जाएगी, ये एक अच्छी चीज़ है दोस्तों। सिर्फ इंटरव्यू यहाँ पर होगा, लेकिन मैं इसके साथ एक और चीज़ बता देना चाहता हूँ। जब आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि अगर कोई कैंडिडेट सेमिनार कंडक्ट करना चाहता है वहाँ पर और PPT के द्वारा अपना इंटरव्यू देना चाहता है, तो वो भी फैसिलिटी वहाँ पर प्रोवाइड की जा रही है। सैलरी की बात की जाए तो 24 से 26,000 के बीच में यहाँ पर सैलरी रखी गई है सभी वैकेंसीज़ के लिए। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की ये जॉब है दोस्तों, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर नोटिफिकेशन का, जो कि आपको जानना ज़रूरी है। ये परमानेंट जॉब नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की ये जॉब है और 30 अप्रैल 2020 तक का ये कॉन्ट्रैक्ट पीरियड होगा। स्टार्टिंग डेट्स की बात करें तो 3 जुलाई 2019 से आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं और 15 जुलाई 2019 तक इसके लिए आवेदन स्वीकार किए जाएंगे शाम 5 बजे तक। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं यहाँ पर बता देना चाहता हूँ कि ये जो डेट्स दी गई हैं, ये ऑनलाइन इसके लिए आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ ऑफलाइन माध्यम से ही आवेदन किया जा सकता है। तो पोस्ट के वहाँ पर पहुँचने की लास्ट डेट 15 जुलाई 2019 है शाम 5 बजे तक, तो आप उसी अकॉर्डिंग यहाँ पर पोस्ट करें। एप्लीकेशन फ़ीस की बात की जाए तो जनरल और OBC कैंडिडेट्स के लिए 300 रुपये का आवेदन शुल्क रखा गया है, वहीं SC ST कैंडिडेट्स के लिए किसी भी प्रकार का कोई आवेदन शुल्क नहीं रखा गया है। दोस्तों, ऑफिशियल और नोटिफिकेशन को आप ज़रूर एक बार पढ़ लें आवेदन करने से पहले। जो एप्लीकेशन फॉर्मेट है वो भी उसी में दिया गया है, और आप एक बार पूरी नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ने के बाद ही उसके लिए आवेदन करें। और ये नोटिफिकेशन का लिंक जो हमने यहाँ पर शेयर किया है, आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर जो लिंक है वो नोटिफिकेशन का लिंक है, और वो नोटिफिकेशन का लिंक डायरेक्टली ऑफिशियल वेबसाइट से लिया गया है। यानी कि आप जब उस पर क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्टली ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुँचेंगे और वहीं पर आपको वो लिंक मिलेगा। नहीं तो आप अगर अपने आप जाना चाहते हैं तो आप ऑफिशियल वेबसाइट पर, नागपुर यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइए, वहाँ पर करियर्स का बटन आपको मिलेगा, करियर्स के बटन पर आप क्लिक करके ऑफिशियल नोटिफिकेशन तक पहुँच सकते हैं और आपको सारी डिटेल्स वहीं पर मिल जाएंगी। फिर भी हमने एक लिंक दिया हुआ है दोस्तों, वहाँ पर जाकर के आप मेन पेज पर पहुँच जाएंगे और उस मेन पेज पर आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, हम और भी अच्छा काम करते रहेंगे। अगर आपकी तरफ से हमें मोटिवेशन मिलती है, आप इस वीडियो को लाइक करेंगे तो उससे हमें मोटिवेशन मिलेगी। तो दोस्तों, इस वीडियो के लिए बस इतना ही मेरी तरफ से, आप सभी को इस वैकेंसी के लिए बेस्ट ऑफ लक। दोस्तों, अगर आप भी पाना चाहते हैं सबसे जल्दी अपडेट्स किसी भी लेटेस्ट सरकारी नौकरी के लिए, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि हम लेकर के आते हैं लेटेस्ट सरकारी नौकरी से जुड़ी खबरें सबसे पहले।